गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, ये देखिए हमारी अनुक्रमणिका, हमारी अनुक्रमणिका। बच्चों, गद्य विभाग और दो पद्य विभाग, ऐसे दो विभाग होते हैं। गद्य विभाग में हमारे सारे पाठ आते हैं, पद्य विभाग में सारी कविताएं आती है। तो बच्चों, गद्य विभाग में से हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। जैसे कि देखो, तारा, अमित का सपना, अच्छे दोस्त, पूरब और उसकी माँ, मेला, तैराकी एक व्यायाम, नंदन वन, रामू माली, ईश वंदना, लालच बुरी बला, जैसे को तैसा, नुक्ता का अभ्यास। ये सिर्फ मैं सिर्फ दो मिनट का ये है, मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको ये बताती हूँ, ओके। उसके बाद पद्य विभाग में देखो बच्चों, दिनक्रम, गीत सप्ताह का, भाजी वाला, तितली, ये क्या है, चार ये सिर्फ कविताएं हैं। बंदर मामा की सैर, मेरी टीचर, बरखा रानी, बिल्ली मौसी, सबेरा और गिनती, ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। सिर्फ बच्चों हमें नुक्ता का अभ्यास मैं आपको अभी लेती हूँ, उसके बाद हम बाराखड़ी देखेंगे, ठीक है। तो नुक्ता का अभ्यास अब तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसके बाद बाराखड़ी होने के बाद ये हमारा सारा सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। तो मैं आपको क्या करूँगी, ये सारा ख़त्म होने के बाद मैं रिवीजन लेने वाली हूँ। रिवीजन में बच्चों हमें सारे पाठ पढ़ेंगे, उसके प्रश्न और उत्तर रिवीजन करेंगे। आपको भी आपके नोटबुक में जैसे आपने प्रश्न और उत्तर लिखा है वो आपको बार बार चेक करना है, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह हमारा ये सारा सिलेबस ख़त्म होता है। अब मैं आपको नुक्ता का अभ्यास, ये पार्ट आपको सिखाती हूँ। पान नंबर 42 पे आ जाइए, 42, पान नंबर 42। देखो बच्चों, ये नुक्ता का अभ्यास, यहाँ नुक्ता यानी क्या, नुक्ता किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। पान नंबर 42, पार्ट नंबर 12, नुक्ता का अभ्यास। व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगाने से उनके उच्चारण में अंतर आता है। जैसे कि व्यंजन, व्यंजन कौन से और कितने हैं, क से श्र तक व्यंजन आते हैं, और उसके नीचे नुक्ता लगाने से, जैसे कि देखो यहाँ ज, फ, ड और ढ, ज से शब्द तैयार हुआ जग, फल, डर, ढलान। तो यहाँ नुक्ता यानी क्या, एक बिंदु ऐसे। तो जैसे कि हमारे व्यंजन आते हैं क से श्र तक, तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि उस अक्षर के नीचे नुक्ता लगाना ही पड़ता है। जैसे कि ये ज है, ज के यहाँ नुक्ता लगाया है, ये जो बिंदु है ना, इसी नीचे व्यंजन के नीचे नुक्ता लगाया है। ये ज और ये ज क्या अंतर है, ये भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ ज के नीचे नुक्ता क्यों लगाया जाता है, तो बच्चों ये क्यों लगाया जाता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में अंतर आता है, ये नुक्ता लगाने से उच्चारण में अंतर आता है, इसीलिए हम नुक्ता लगाना ज़रूरी है। जैसे कि ज़र्रा, ज़र्रा, तो ये क्या है, थोड़ा सा अंतर आता है, उच्चारण में अंतर आता है। ये फ, सफाई, सफाई, ज़्यादा से ज़्यादा ज, फ, ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाया जाता है बच्चों। जैसे कि सफाई, ड से साड़ी, ढ से काढ़ा। तो बच्चों, ज, फ, ड और ढ में नुक्ता लगाया जाता है, समझ में आ गया। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उच्चारण में अंतर आने के लिए नुक्ता लगाया जाता है। ये छोटा सा पाठ है बच्चों, करीबन 5 वाक्य का ये पाठ है। और इस वाक्य में बच्चों, इस पाठ में एक एक वाक्य जो है उसमें से कुछ फ, ड, ढ, ज ये व्यंजन आते हैं, तो उसमें नुक्ता लगाने के बाद ये वाक्य पूरा हो गया है। तो इसे हमें, ये पाठ अब मैं पढ़ती हूँ। राजू,
जरा जल लेकर आओ, आज सफाई भी करनी है। रंगीन कागज से सजावट करो, डाल से फूल तोड़कर लाओ, माला बनाकर डलिया में ढककर रखो, गढ़ पर जाकर मंदिर में माला चढ़ाओ। तो जैसे कि देखो ये ज सफाई, जरा सफाई, कागज तोड़कर गढ़ चढ़ाओ, तो ये यहाँ जो शब्द आए हैं उसमें नुक्ता लगाया गया है, क्योंकि उच्चारण में अंतर आने के लिए ये नुक्ता लगाया गया है। तो छोटा सा ये पाठ है, राजू जरा जल लेकर आओ, जल यानि पानी, जल लेकर आओ, आज सफाई भी करनी है, आज सफाई भी करनी है, रंगीन कागज़ से सजावट करो, ये जो कागज़ है ना इसे सजावट करो, डाल से फूल तोड़ कर लाओ, डाल यानि ये जो फूलों के डाल होते हैं यानि जो प्लांट होते हैं उससे क्या तोड़ कर आओ, फूल, क्योंकि ये डाल पर बहुत सारे फूल है, तो ये माँ उसकी राजू से कह रही कि डाल से फूल तोड़कर लाओ, माला बनाकर डलिया में ढककर रखो, माला बनाकर ये जो डलिया है डलिया में ढककर रखो, गढ़ पर जाकर मंदिर में माला चढ़ाओ। यहाँ गढ़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या करना है, ये गढ़ पर चढ़कर मंदिर में माला चढ़ाओ, ये जो माला बनी है या इस फूलों से माला जो बनेगी तो उसे मंदिर में जाकर भगवान को माला चढ़ाकर आओ। तो बच्चों ये हो गया नुक्ता का अभ्यास। नुक्ता व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उच्चारण में अंतर आने के लिए ये नुक्ता लगाया जाता है। जैसे कि ज फ ड ढ को क्या कर लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे बारह खड़ी, तो पान नंबर छः पर आइए, पान नंबर छः पर आइए। तो बच्चों बारह खड़ी में ये क्या है, अ आ ई ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ अम आह, ये स्वर है बच्चों, ये क्या है, स्वर, अ से आह तक स्वर है। उसके बाद क्या है, ये क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड, ये ज्ञ तक क्या है, व्यंजन है, और हम पढ़ रहे हैं बारह खड़ी। तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये ब्लैंक है ना, रिक्त है, ये इसमें कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ आ है, आ को एक मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, ई की ये मात्रा होती है, ये छोटी ई ये बड़ी ई, छोटी ई की ये मात्रा होती है, बड़ी ई की ये मात्रा होती है, ऊ और ऊ, ये छोटी ऊ की ये मात्रा, बड़ी ऊ की ये मात्रा, ये रू का ये रू, ए ऐ ये ए ऐ, एक की ये ऊपर एक मात्रा होती है, ये दो मात्रा होती है, ओ की एक का ना एक मात्रा, औ की एक का ना दो मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग, ऐसे ये बाराखड़ी के मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं होती है। अब व्यंजन, व्यंजन में क का की क क, जब हम क उच्चारण करते हैं तो अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, लास्ट में अ ऐसा आता है, क क आ गया ना, अ आता है, तो क की कोई मात्रा नहीं होती, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती। क के बाद का जब हम का उच्चारण करते हैं तो आ का आवाज आता है, का, तो ई से क्या कहते हैं, एक काना कहते हैं, यानी ये जो क है क को एक काना लगाने के बाद तैयार हुआ का, ये छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जैसे कि क को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद तैयार हुआ की। देखो जब मैं की उच्चारण करती हूँ तो ई का आवाज़ आता है,
की, ये बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा यहाँ लगाने से की तैयार हुआ, की। तो उच्चारण ई का आ गया, आवाज़ ई का आ गया। जैसे मैं की करती हूँ तो ई का आवाज़ आता है, छोटी ऊ की मात्रा, ऊ। जब मैं ऊ कहती हूँ तो ऊ का आवाज़ आता है, ये बड़ी ऊ की मात्रा, ये ऊ है ना, बड़ी ऊ की मात्रा। तो क को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने के बाद तैयार हुआ कु, कु। तो आवाज़ ऊ जैसे आ गया ना, ओके। तो ये क्या है, री, री की मात्रा, क्रू। तो आवाज़ रू का आता है, जैसे कि ए। जब मैं के कहती हूँ तो ए का आवाज़ आता है, जब मैं कई, कई कहती हूँ तो ऐ का आवाज़ आता है। को, जब मैं को करती हूँ, यानी ये को की मात्रा, ओ की मात्रा है, क को ओ की मात्रा लगाने के बाद तैयार हुआ को, को। तो ये आवाज़ ओ का आ गया। कऊ, कऊ, क को एक का ना दो मात्रा लगाने के बाद औ का आवाज़ आता है, कऊ। तो औ जैसा आवाज़ आता है। ये कम, तो अम जैसा आवाज़ आता है, कम। कहा, आहा, कहा। तो जब विसर्ग लगता है, व्यंजन को विसर्ग लगता है, तो आहा जैसे आवाज़ आती है। तो बच्चों ऐसे ही ये 12 खड़ी इन मात्राओं के साथ तैयार होती है, स्वर के मात्राओं के साथ तैयार होती है। जैसे क, का, की, कु, कु, क्रु, के, कई, को, कौ, कम, कहा। ख, खा, खी, खी, खु, खु, क्रु, खे, खई, खो, खौ, खम, कहा। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये ठ तक, क से ठ तक आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। कितने टाइम, टू टाइम, कितने टाइम, टू टाइम आपको ये क से ठ तक 12 खड़ी लिखनी है। पढ़ते पढ़ते लिखना है, पढ़ते पढ़ते लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो ये 12 खड़ी आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। और जो हमने नुक्ता का अभ्यास किया है ना, वो पार्ट आपको दो बार पढ़ना है, और कौन से अक्षर पर नुक्ता लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट 12 खड़ी हम अगले पीरियड पर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब तक आज हम यहाँ रुकते हैं। आपको क से ठ तक 12 खड़ी पढ़ते पढ़ते लिखना है, दो बार, टू टाइम लिखना है। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।